स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं के डबल आई टी डबल ई 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, के डबल आई टी डबल ई 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही साथ गाइस, इस वीडियो में आपको जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे आप देख सकते KIIIT2021 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। थोड़ा नीचे आने पे यहाँ पे भी आपको एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 दिसंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करा दी गई है क्लिक हियर टू अप्लाई करके। तो गाइस आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा और वहाँ पे क्लिक करते आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो नाम आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद गाइस आप लोगों की जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देने, लाइक सागर कुमार प्रोफाइल एट द रेट gmail.com में अपनी ईमेल आईडी आप लोगों को डाल के बता रहा हूँ। देन स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर एंटर करने का सिंपली यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखा दे रहा है सेम कैप्चा आपको एज इट इज यहाँ पे जो है एंटर करना होगा। लाइक अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कैप्चा भी एंटर करके बता देता हूँ, PRV7C। अब गाइस ये पूरी चीजें बनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर जो है विदाउट जीरो के स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे जो है जीरो नहीं डालना, आपको मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग में डायरेक्टली मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। और गाइस ये पूरी डिटेल्स बनने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप जैसे अभी यहाँ पे आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करने कहा जा रहा है, जो कोर्स आप जो है जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ BSc कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया है और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिर से बताया जाएगा, अगर आप चाहे तो अभी जो भी आपने डिटेल्स भरी उसे एडिट पे क्लिक करके अपना जो कोर्स है और चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्म है तो आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे दी जा रही है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आपको अंदर फिल करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो गाइस अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे अभी क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म गाइस सामने आ चुका है, यहाँ से हम जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो एंटर कर देना है, उसके बाद जो आपका मिडिल नेम है जो बीच का नाम है वो एंटर करना है, देन आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम एंटर कर देना होगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को अपना, देन यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 13 जैन 2000 सेलेक्ट करके बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर नेशनलिटी ऑफकोर्स इंडियन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर अगर आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी किया वो सेलेक्ट करना, फिजिकली चैलेंज SC ST या फिर जनरल हो तो सिंपली जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अपने फादर का जो है आपको यहाँ पे नाम एंटर कर देना होगा, मदर का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन गाइस अगेन आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा आपका और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वापस से आपने जो डाली थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप चाहे तो एंटर कर सकते हो। यहाँ पे वापस से सेम ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं सागर कुमार प्रोफाइल @gmail.com। और गाइस ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी जो है सेंटर का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हमारे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हम एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फॉर एग्जांपल एक देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड जो चॉइस है सेकंड चॉइस मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा बेंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट गाइस आप लोगों को एग्जांपल बताने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है एग्जैक्टली जो आप सेंटर चाहते हो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दी थी कि ऑनलाइन एग्जाम 17 और 18 अप्रैल 2021 में हेल्ड किया जाएगा देहरादून में। उसी तरह से गाइस नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाती, तो आपकी क्वालिफिकेशन आप 12th पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफाइंग स्टेटस पास हो या अपियरिंग कैंडिडेट 2021 में आपका जो एग्जाम कंप्लीट होगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 12th का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे गाइस तो अपियरिंग सेलेक्ट करने के बाद आपसे जो मार्क्स की डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आपके मार्क्स आपको रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, उसकी जगह पे 10th का डिटेल्स हमें फिल करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कि आपने 12th में जो है मैथ्स लिया है, या अगर लिया है तो सिंपली यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको अपने 10th का बोर्ड का रोल नंबर एंटर कर देना है। देन यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड का आपका नाम होगा वो बोर्ड का नाम एंटर कर देना, लाइक CBSE हो गया या ICSE हो गया, जो भी आपका नाम है वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना होगा। देन ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2021 में मेरा भी जो है 12th कम्प्लीट होगा तो ऑफकोर्स 19 में समझ लीजिए मेरा 10th पास आउट में हो चुका रहूँगा। अब यहाँ पे गाइस हमें जो एड्रेस फिल करना रहेगा।
यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आपका जो भी हाउस नंबर है या जो भी डोर नंबर है आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। यहाँ पे आपका जो रोड रहेगा या कोई अपोजिट स्ट्रीट रहेगी वो आपको एंटर कर देनी है। सिटी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका यहाँ पे जो भी पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आपको नॉर्मल एंटर कर देना होगा। स्टेट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको अगर STD कोड डालना है तो डाल सकते हो और फोन नंबर। अब कैसे इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। तो कैप्चा के लिए कैसे, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज आपको जो यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे गाइज, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बताएगा प्लीज कंफर्म अबाउट डिटेल्स, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने भरी अगर सारी के सारी सही है एक बार कंफर्म कर लेना, उसके बाद सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। वरना साइड में जो एडिट का बटन दिख रहा था वहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप भी हम ये आपको अपने एप्लीकेशन में सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको आगे काम आएगा ये सारी की सारी चीज़ें कहीं नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद गाइस नीचे आप दिखा दे रहे क्लिक है तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग यहाँ पे दिख जाएगा सेक्शन 10th मार्कशीट सिग्नेचर और फोटोग्राफ। तो यहाँ पे हम जो है मार्कशीट अपलोड कर देते पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्राउज पे क्लिक करना होगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो लोकेशन पे आपने अपना फोटोग्राफ जो रखा होगा सेव, आपको सिंपली वो फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। उसी तरह से सेकेंडली हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अगेन सिग्नेचर सेलेक्ट करके ब्राउज सेलेक्ट कर लेना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और सिग्नेचर को जो सेलेक्ट करके सिंपली अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर भी जो अभी अपलोड हो जाएगी। और सिग्नेचर अपलोड के बाद अभी जो लास्ट बचेगा हमारा फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ सेलेक्ट करके अगेन ब्राउज पे क्लिक कर देना है और देन आपको यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ सेलेक्ट करके सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे जो फोटोग्राफ है अपलोड नहीं होगा क्योंकि ये PNG फॉर्मेट था और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट ही चाहिए। तो आपको जो फोटोग्राफ सबमिट करना होगा वो भी जो है JPG फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं फोटोग्राफ की जगह आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे जो है यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड किया, लेकिन आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। अब सारी चीजें करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर एप्लीएंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट एप्लीकेशन जो था आपको यहाँ पे दिखा दीजिएगा, आप इसे जो आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को KIIT 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकेस कोई भी परेशानी या कोई भी इशू अगर आपको होता है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू है वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।